जो लोग जिम वगैरह करते हैं राइट सो so, वे प्रोटीन्स खाते हैं सडनली वो वे प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं एंड so इश्यूज़। तो वो भी यही होता है कि एक दिन पहले दिन से ही जाके तो 10 किलोमीटर भागना शुरू हो जाते तो दिस इज नॉट एडवाइजेबल साइंटिफिकली हार्डली फाइंड ए यंगस्टर कि जो मोबाइल सामने नहीं है और वो खाना खा रहा है या वो खाने को इन्जॉय कर रहा है या खाने को एक ए, एक कंपोनेंट ऑफ हिज लाइफ समझता है एक नहीं? तरफ वेब सीरीज चल रही दूसरी तरफ खाना खाया जा yes, रहा है यस और उससे क्या होता है कि उससे वो लॉट्स ऑफ जो एयर है वो सॉलो कर लेता है अपने अंदर जिसको एरोफेजिया उससे ब्लोटिंग हो जाती है गैस हो जाती है और उससे आपका जो नॉर्मल जी की फंक्शनिंग है वो हैम्पर वो है। तो गैस निकलेगी तो थिंग थिंग्स विल सेटल डाउन अन फिर जैसे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं बहुत सारे बियर लेते हैं ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी है एंड ऑल worried अबाउट हाउ वी अपेयर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि गूगल searches करते हैं क्या डाइट करनी चाहिए डाइट से क्या हो जाएगा हाउ टू लूज बेली फैट ये सारी चीजें ढूंढने में क्या आप इस बात का ख्याल रख रहे हैं कि हाउ इज योर स्टमक डूइंग वट इज हैपनिंग विद योर स्टमक जो आप खा रहे हैं या जो आप नहीं खा रहे हैं उससे आपके इंटेस्टाइंस पर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर आपके स्टमक पर क्या असर पड़ रहा है ये सारी बातें जानने के लिए मेरे साथ आज हैं गेस्ट्रोन्टोलॉजिस्ट डॉक्टर शौकत चौधरी डॉक्टर साहब वेलकम टू स्ट्रेट लाइन शुक्रिया थैंक यू यही जानना चाहूंगी कि पीपल आर गोइंग ऑन डिफरेंट डाइट्स ये इंश्योर करने के लिए कि दे लुक गुड दे लुक क्लीन कीटो डाइट एक कॉन्सेप्ट आ गया है उसके अलावा लो कार्प डाइट करेंगे वीगन डाइट्स करेंगे आपसे समझना चाहूँगी कि एक वो भी टाइम था जब जो गांव में लोग रहते थे या पुराने ज़माने में लोग थे वो घी दूध शक्कर ये सारी चीज़ें उस मात्रा में खाते थे जितना वो एग्जर्ट भी करते थे अपनी बॉडी को तो मैनेज हो जाता था आज के लाइफ में इज़ इट सूटेबल कि आप एक लो कार्प डाइट पर चले जाएँ एक महीने के लिए उसके बाद यू शिफ्ट बैक टू योर नॉर्मल रूटीन एक्चुअली uh, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है एक्चुअली सवाल ये है कि वो यू मस्ट हैव हर्ड दैट सेइंग वी आर व्हाट वी ईट राइट बट मैं इसको थोड़ा चेंजड बोलूँगा वी आर व्हाट वी एब्जॉर्ब सो सवाल ये नहीं है कि आप खाते क्या हो सवाल ये है कि आपकी बॉडी एब्जॉर्ब क्या कर पाती है राइट right? सो so, उस एब्जॉर्पन मकानिज्म को हमारे लाइफ ने हमारे फूड हैबिट्स ने एडवर्सली इफेक्ट किया है तो वो वाली चीज़ जो है उसको दैट नीड्स टू बी सेट इन प्लेस सेट इन राइट फॉर एग्जांपल आई स्टार्ट कि जैसे किसी का बेली फैट है आपने शुरू किया अब साइंटिफिकली इसका एक मैकेनिज्म है जो एडवर्सली एबजॉपन को इफेक्ट करती है वो कैसे जैसे अगर किसी का बैली फैट है तो उसके कुछ ऐसे साइटोकाइंस या ऐसे कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जो इसकी एब्जॉर्बशन को लोकली भी इफ़ेक्ट करते हैं फिर एक ब्रेन गट एक्सेस आपने सुना होगा उसको हैम्पर करते हैं फूड हैज़ रीच्ड इन टू दिस स्मॉल इंटस्टीन वहाँ से एक सिग्नल ब्रेन को जाता है ब्रेन उसकी अल्टीमेट प्रोसेसिंग के लिए एक सिग्नल देता है तो जब ये सिग्नल टू गो एंड टू कम बैक आर एडवर्सली इफेक्टेड तो फिर आप ये खाओ या वो खाओ डजन मेक डिफरेंस रादर आप उसको ऐड कर रहे हो लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि हम ये डिस्करेज कर रहे हैं हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो आप खाते हो उसको काइंडली डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब करने की फैसिलिटेशन भी करो वो किस तरीके What से दैट दैट इज़ उसमें यह है कि एक तो आप अपने फूड देखो मेजरली हमारे तीन कंटेंट्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स एंड प्रोटीनस राइट right? hmm. जो कार्बोहाइड्रेट और फैट्स होते हैं वो आपकी बॉडी फैट ये सारे कन्वर्शन उसी से कार्बोहाइड्रेट और फैट से होते हैं ठीक है सो hmm. so, आपके खाने में इनकी मात्रा कम होनी चाहिए प्रोटीन की मात्रा वी आर इन कंटेक्सट ऑफ यंगस्टर्स मेनली मेनली जो यूथ जो है क्योंकि हर हर एज के बाद आपका जीआई आई डिफरेंट हो जाते हैं तो हम उनको अकॉर्डिंगली एडवाइस करते हैं या किसी को मेडिकल इल्सेज है वो क्या कर सकता है वो दूसरी बात है या किडनी डिजीज़ है तो उसमें हम प्रोटीन बट मैं कंटेक्स्ट इसमें बात करूँ तो उसमें यह है कि आपका जो बैलेंस्ड फूड है बैलेंस्ड फूड दैट यू मस्ट टेक स्मॉल एवरीथिंग ऑफ स्मॉल मतलब स्मॉल थिंग ऑफ एवरीथिंग थिंग अब थोड़ा कार्बोहाइड्रेट भी खाओ थोड़ा फैट भी खाओ थोड़ा प्रोटीन भी खाओ राइट right? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता चलूँ कि जैसे नॉनवेज की बात आती है तो मेजॉरिटी ऑफ हमारी सोसाइटी में हम क्या करते हैं हम चावल में ग्रेवी डालते हैं और वो खा जाते हैं और पीस तो खाते नहीं mm. चिकन और इस्पेशली जो हमारा जम्मू रीजन है है ना mm. तो इसमें मैंने अंदाज़ा लगाया तो जो जो साइंटिफिकली वो कहते हैं आप आप पीस खाओ उसका एग वाइट खा लो दो तीन आप चिकन का पीस खा लो आप फ़िश का पीस खा लो पर हम उल्टा ग्रेवी खाते हैं ग्रेवी क्या करे वो कार्बोहाइड्रेट है ग्रेवी में फ़ैट है वो अंदर जाके सारा कन्वर्ट हो जाता है तो फैट को इनक्रीज करता है सो so, उस लिए आपको अपनी हैबिट्स को ठीक करना होगा आपका वे ऑफ लिविंग आपका वे ऑफ ईटिंग एंड योर एक्टिविटी स्टाइल थ्री थिंग्स आर टू बी एड्रेस्ड जिस तरीके की डाइट है जैसे कि आप काप्स को बिल्कुल मिनिमाइज कर रहे हैं आप दिन में 20 से 50 ग्राम्स काप्स खा रहे हैं बाकी और फोकसिंग ऑन प्रोटीन उसका आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर क्या असर पड़ता है आपके स्टमक के ऊपर क्या असर पड़ता है क्या वो एकदम से जो आपने शिफ्ट लाया अपनी ईटिंग हैबिट्स में क्या बॉडी उसे अडाप्ट कर पाती है इजीली या वो भी केसेस हैं जहां पर ये बहुत ही एक्सट्रीमली इफेक्ट करता है लोगों को वेरी राइट ये बड़ा रेलिवेंट सवाल है क्योंकि जो डाइजेशन मैकेनिज्म है उसमें कार्ब्स आर इजी टू डाइजेस्ट फिर उसके बाद फैट्स हैं एंड प्रोटीन्स आर द मोस्ट डिफिकल्ट वन सो से फॉर एग्जाम्पल ऑन वन फाइन डे यू आर टेकिंग काप्स एंड ऑन दी वेरी नेक्स्ट डे यू हेव शिफ्ट सडनली टू द प्रोटीन्स योर बॉडी हैज़ नॉट अडोप्टिड टू डाइजेस्ट दैट आपकी इन्ज़ाइम एक्टिवेट हो रहे हैं ना देखो जो हमें इसको इस तरह से आपको समझाऊँ कि जैसे हमारे टेस्ट बड्स हैं हम इस रीजन में हम एक बचपन से एक चीज़ खाते आ रहे हैं तो हमने अपने टेस्ट बड डिवेल्प कर लिए हैं सिमिलरली डाइजेशन की इन्ज़ाइम डिवेल्प होती हैं अंदर अब दूसरे रीजन में साउथ में कोई आदमी है वो 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 वाला फूड खाता है वो हम नहीं डाइजेस्ट करें अगर हमें वो फूड खाना है तो हमने स्लोली बिल्ड करना है अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है कीटो डाइट की आप बात कर रहे हैं तो वहाँ क्या होता है कि एक दिन पहले तक तो नॉर्मल खाना और दूसरे दिन सुबह से कीटो स्टार्ट हो जाता है और कीटो स्टार्ट हो जाता है उसके साथ अंदर डाइजेशन नहीं होती एंड देन टू मेनी इश्यूज कम अप सो माय सजेशन थ्रू यू इज कि अगर आप ये इंटेंट कर रहे हो कि हमें कीटो डाइट तो उसको स्लोली बिल्ड करो यू you नो know? तो आप अपनी जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा थोड़ी कम करो और उसको एस्केलेशन मोड में जाओ देन यू प्लेटू और जब आपने करना है फिर उसको डीआइस्लेट करो सो देट शुडेंट बी सडन अप एंड सडन डाउन वट अबाउट वीगन डाइट जो लोग वीगन डाइट अभी अभी शुरू कर रहे हैं अडाप्ट करना क्या उसमें भी कोई डिफरेंट मैकेजम है जो लोग पहले बहुत नॉन वेज खाते थे अब सडनली दे डिसन तो उसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है नहीं वही देखो मैंने कहा कि आपने जैसे आप वॉक करते हो या आप रनिंग करते हो तो रनिंग में आपको क्या सजेस्ट किया ये क्या होता है कि बिल्ट देन यू स्लोली बिल्टअ टू मैं और वही जो मैंने अभी बात आपको दोबारा की इट इट रिलेट्स टू एवरी थिंग टू ह्यूमन बॉडी कि आपने अपनी बॉडी को उस तरह से एडजस्ट करवाना है आप सडन इधर करोगे सडन उधर करोगे आपका सारा हे वायर चला जाएगा एंड देन यू विल कम अप विध टू मेनी लाइक हमारे पास जो लोग आ, आ, जिम वगैरह करते हैं राइट right? सो so, वे प्रोटीन्स खाते हैं सडनली वो वे प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं एंड दे कम टू अस विध सो मैनी जी आई तो वो भी यही होता है कि एक दिन पहले दिन से ही जाके तो दस किलोमीटर भागना शुरू हो जाते तो दिस ज़ नॉट एडवाइजेबल साइंटिफिकली उसके साथ ही में अब जिस तरीके से कोविड का पेंडेमिक आया पेंडेमिक का एक जो एडवर्स इफेक्ट देखने को मिला वो तो पब्लिक था प्राइवेट में बहुत सारे लोगों की लाइफस्टाइल में बहुत बड़े शिफ्ट जो हैं वो आ गई इसी पैंडमिक की वजह से जो लोग अपने घरों में बंद थे पहले जंक फूड खाने के आदि थे अब वो घरों में वो सारी चीज़ें बनाना शुरू हो गए ये देखने को मिला कि पहले जहां वो वीकेंड्स पर बाहर जाकर रेस्टोरेंट्स में खाना खाया करते थे वहीं डेली उनके घर में ही कुछ नूडल्स मोमोज़ ये सारी चीज़ें उन्होंने डेली बनाना शुरू कर दी तो ये जो शिफ्ट लोगों के खाने में आया इस पेंडेमिक की वजह से अब इसे क्या इसे भी डीएस्केलेट करने की ज़रूरत है या जो चीज़ें आप जंक, जो है जंक का वो यही है कि अगर आप बना रहे हैं तो वो अनहेल्दी है, तो है।, कि, हाँ है नहीं उसमें एक कंसेप्ट तो मैं मानूंगा कि देखो हाइजीन पॉइंट ऑफ से आई वुड नॉट जो बाहर आप खाते हो वो अनहाइजीनिक बट घर में तो यू आर ऑन दर साइड ठीक है सो so नॉर्मली जो हमारा भी सजेशन यही रहता है कि आप यू ट्राई एवरीथिंग जैसा मैं आपको कहूँ कि देखो खाने में खाना खाने में डाइजेस्ट करने में सबसे बड़ा आर्गन जो है वो ब्रेन है तो दाइट द स्मेल राइट इट शुड बी पैलेटेबल फर्स्ट थिंग तो जो आपको पसंद है जिसके साथ आप बड़े हुए हो वो ज़रूर खाइए लेकिन अगर आप ये जंग की जो बात कर रहे हो अगर आप गरु में बनाते हो तो आई वुड बी अ प्रोपोनेंट ऑफ दैट एक्चुअली क्योंकि उससे कम से कम आप हाइजीन और दूसरा ये है कि आपको स्टोरेज नहीं मिलेगा फ्रेश मिलेगा ठीक है और उनकी एक आदत थी तो वो अब घर में बनाना शुरू हुआ है आई एम विद डैट क्योंकि सडनली आई वुड नॉट सजेस्ट कि वो बंद कर दे सारा तो जब वो घर का खाना बाहर ऑब्वियसली उसकी पैलेटिबिलिटी बढ़ाने के लिए देर टू मेनी एडिटिव्स तो वो नहीं पड़ेंगे तो उसका टेस्ट हो सकता है कि वो आस, आस्ता आस्ता डी हो जाए एंड दिस इज अ गुड थिंग टू हैपन इसी इसकी डाइजेशन को फैसिलिटेट करने के लिए क्या क्या चीज़ें जो है वो लोगों को माइंड में रखनी चाहिए जो खाना तो ठीक खा रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी डाइजेशन इश्यूज हो रहे हैं या जनरली भी अगर आप नॉर्मल भी खाना खा रहे हैं यू वांट कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहे उसके लिए क्या क्या करने की ज़रूरत है देखो तो जितना आपने वो कहते हैं कि इनपुट शुड भी एकवल टू आउटपुट जितना आपने खाया उतना कंज्यूम करना है प्रॉब्लम हमारी कंजम्पशन की है कि हमारी जो लाइफ स्टाइल हैं जैसे हम क्या करते हैं द वे वी ईट व्हाट वी ईट एंड देन व्हाट डू वी डू आफ्टर ईटिंग दीस थ्री फैक्टर्स जो हैं ये एडवर्सली इफेक्ट है जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारा सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है बच्चों से लेकर बड़ों तक और ख़ासकर यंगस्टर की जहाँ आप बात कर रहे हो सोशल मीडिया इतना है यू विड हार्डली फाइंड ए यंगस्टर कि जो मोबाइल सामने नहीं है और वो खाना खा रहा है या वो खाने को इन्जॉय कर रहा है या खाने को एक ए, एक कंपोनेंट ऑफ हिज लाइफ समझता है एक तरफ वेब सीरीज चल रही दूसरी तरफ खाना खाया yes, जा रहा है यस और उससे क्या होता है कि उससे वो लॉट्स ऑफ जो एयर है वो सॉलो कर लेता है अपने अंदर जिसको एरोफेजिया उससे ब्लोटिंग हो जाती है गैस हो जाती है और उससे आपका जो नॉर्मल जीआई की फंक्शनिंग है वो हैम्पर हो है। तो वो गैस निकलेगी तो थिंग थिंग्स विल सेटल डाउन अनिली फिर जैसे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं बहुत सारे बियर लेते हैं यू नो एंड ऑल ऑफ थिंग्स दे ऑल्सो एड टू योर गैस एंड दे आर एमटी कैलोरीज कहते हैं ना कोल्ड ड्रिंक्स आर एम्टी कैलरीज दे जस्ट कैलोरीज कुछ उनका फ़ायदा होता नहीं तीसरी बात यह कि आधे लोग तो लेटे लेटे खाते हैं वो हमारे पास गैसटो इसल रिफ्लक्स से आते हैं मतलब इस तरह के भी यंगस्टर्स हमने देखे देव ऑल गॉन ओबीज वो कर नहीं सकते तो गैस के इश्यू तो आने ही आने और उनको क्या करना है स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी डिसिप्लिन ईटिंग राइट एंड स्ट्रक्चर ईटिंग जो सैलड का कॉन्सेप्ट है कि खाने के साथ थोड़ा रफिज भी होना चाहिए वो आजकल धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है क्योंकि वेन यू आर ईटिंग जंक तो उसमें आप अगर वेब सीरीज देख रहे हैं तो साथ साथ में मंचिंग ऑन स्नैक्स तो वो सैलेड का कॉन्सेप्ट खाने से तो दूर ही चले जा रहा है ये कितना डेंजरस है आई थिंक हाँ ये बड़ा रेलवेंट है गैस्ट्रंट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहते हैं कि भाई अगर आपने एनी यू लाइक एंड यू वॉन्ट टू हैव इट जो आपकी कैलरीज ऐड करेगी हैव लॉट्स ऑफ सैलड बिफोर दैट ठीक है एक सैलेड क्या होता है कि एक जो काइम अंदर बनाता है उसका रफेज साइज बढ़ा देता है सो so, जितना उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा इतना उसका इंटरस्टैंड में कंटेक्ट टाइम कम होगा तो इवैकुएशन आसान होगा दूसरा वो उसको न्यूट्रलाइज करेगा तो ये सब तभी होगा जब आपको ये है कि मुझे ब्रेकफास्ट करना है और डाइनिंग टेबल पे करना है या बैठ के करना है जब आपको पता है कि मोबाइल हाथ में है और वो भी करना है तो देन देर इज़ अ प्रॉब्लम ना देन यू कैन नॉट अरेंज ऑल दिस सो ये आपके माध्यम से यही रहेगा कि आप अपने फूड को इन्जॉय करो गिव सम टाइम टू योर फूड चबाओ अच्छे से चू इट वेल आप चू करोगे तो जो स्टामक को काम करना वो आप आधे आपके दांत सो so, आपके स्टामक के अंदर तो दांत नहीं है ना सो गॉड इज़ गिविन यू टीथ इन योर माउथ यूटिलाइज देम यूज देम चू इट टू दस्ट साइज सो देट स्टामक हैजू डू मिनिमम जॉब एंड देन दी काम गोज एंड ना आपको कॉन्टिपेशन ना आपको गैस ना आपको ब्लोटिंग ना आपको सारा फैट एब्जॉर्ब होगा तो टमी फैट बढ़ेगा वहीं एक ये भी कॉन्सेप्ट है जो पेरेंट्स और खास तौर पर ग्रैंड पेरेंट्स ये कहते हैं कि बच्चे हो बच्चों को तो कुछ भी हज़म हो जाता है तो यंगस्टर हो आप तो जितना मर्ज़ी खा लो आपको तो हज़म हो जाएगा आपसे समझ जाऊंगी कि आज के टाइम में क्या ये सेइंग रेलिवेंट है कि ग्रैंड पेरेंट के घर पे आप गए हैं नानी दादी के पास आप गए हैं तो आप खाते जा रहे हैं और उनका ये कहना कि नहीं आपको तो हजम हो जाएगा तो बच्चे के माइंड में भी यही है मैं जितना मर्ज़ी खा लूँ मेरे को तो ठीक है Exactly उसका नहीं वो ठीक है वो अपने टाइम से कहते हैं ना उस वक्त क्या होता था गाँव की लाइफ होती थी इफ़ यू टॉक ऑफ जम्मू सिटी फॉर एग्जांपल आज से तीस या चालीस साल पहले चालीस साल पहले लोग पीपल यूज़ टू ट्रैवल ऑन फुट फ्रॉम गांधीनगर नगर टू बख्शनगर है ना ट्रांसपोर्ट ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थे नहीं हम, हम अपने एल्डर से सुनते हैं ये सारी चीज़ें यहाँ से लोग पैदल चलते आज कितना बच्चा घर से बाहर निकला तो गाड़ी में तो वो अपने टाइम की बात करते हैं क्योंकि बच्चे खेलते थे कूदते थे नाचते थे चलते थे स्कूल जाते थे पैदल ऐसा कुछ है नहीं तो वो खाई जा रहे और कंज्यूम नहीं कर रहे तो वो पेरेंट्स जो एल्डर्स हैं या जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो ये बात नहीं ना कि कंज्यूम कैसे करना उनको लगता है कि मिला है बिकॉज हो सकता है उनके टाइम में कुछ फूड आइटम्स डेफिशेंट हूँ ये भी एक बड़ा पेरेंट्स यार हमने नहीं खाया बच्चों को तो खाने दो ये भी एक बड़ी मैं सुनता हूँ अक्सर यू you नो know, कि जो हमें शायद उस वक्त ये चीज़ें नहीं मिलती थी या कम थी लेकिन देखो उस वक्त जो फूड मिलती थी मे बी इट इज़ डेफिशेंट इन सर्टेन यू नो एस्पेक्ट्स बट जो भी वो खाते थे वो एब्जॉर्ब होती थी वो यूटिलाइज होती थी आखिर में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं ओवर ईटिंग के आपने कुछ ज़्यादा खा लिया उसके बाद पानी बहुत ज़्यादा पी लिया तो योर स्टमक फील्स ब्लोटेड आपको ऐसा लगता है कि अब सांस भी लेना जो है वो मुश्किल है उस टाइम पे द ऑप्शन गिवन इज़ कि आप डाइजेस्टिव सिरप्स आते हैं वो सिरप के दो घूंटा पी लिए जो तो यू विल बी ऑल राइट क्या चीज़ उस टाइम पर ऐसे करने की ज़रूरत है पहला तो अवॉइड ही करना होगा ओवर ईटिंग को बट इफ़ यू हैव डन ओवर ईटिंग और आपने बहुत पानी भी पी लिया यू फीलिंग ब्लोटेड वट इज़ द थिंग दैट यू नीड टू डू ताकि उसे उससे आपको थोड़ा रिलीफ मिल सके अरे पहली बात तो यही है कि पानी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पानी जैसे मैंने कहा कि बातें नहीं करो क्योंकि एयर चली जाती है इसलिए खाना खाते समय पानी कम पीना चाहिए उससे भी आपकी गैस बनती है और खाना अगर अंदर चला गया तो इफ़ेक्टिवली आप मुझे पूछो तो देर इज़ नथिंग बट हो सकता है कि देखो क्या कि खाने की अपर वाली लेयर में जा गैस बनती है वो गैस थोड़ी ब्लोट करती है तो हो सकता है कि आप ये इनो या इस तरह की कुछ चीज़ें आजकल जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं वो इसमें सेशे फॉर्म्स में आ गए तो वो आप ले लो उससे जो ऊपर वाली गैस स्टामक के जो उप, अपर सरफेस पे आ जाती है वो आपकी बर्ब्स के थ्रू निकल जाएंगे एंड यू माइट फील सम रिलीफ बट बट टू बी अवॉइड इज़ द बेस्ट वे बहुत बहुत शुक्रिया तो आपने साफ तौर पर सुना कि आजकल के टाइम में जो लाइफस्टाइल में चेंजेस आ गए हैं ख़ासतौर पर यंगस्टर्स के बहुत सारे लोग वरीड हैं इस बात के कि हम कैसे अपेयर हों उसकी फिक्र है लेकिन ये नहीं कि उनकी, उनकी हेल्थ के ऊपर ये सारी चीज़ें वो कर रहे हैं उनका क्या असर पड़ रहा है बहुत अच्छी बात है इफ़ यू वांट टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ लेकिन उसमें भी डायरेक्ट शिफ्ट्स अपने लाइफस्टाइल में कि एकदम से आप एक दिन नेटफ्लिक्स एंड एंड यू हैविंग पॉपकॉर्न एंड यू हैविंग स्नैक्स एंड नेक्स्ट डे यू आर गोइंग ऑन अ कीटो डाइट तो ये एडवाइजबल नहीं है और वहीं खाना जब आप खा रहे हैं इन्जॉय योर फूड